नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। महिला दिवस पर सीता सोरेन ने सदन का किया संचालन। अनुदान मांग पर विपक्ष का वॉकआउट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में जामा विधायक सीता सोरेन ने बतौर सभापति सदन का संचालन किया। इससे पहले झारखंड विधानसभा बजट सत्र के सातवें दिन भी भाजपा विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने विभिन्न मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां विपक्षी दल ने सत्ता पक्ष पर बिजली बिल में घोटाले का आरोप लगाया, वहीं महिला दिवस के दिन महिलाओं की रक्षा में सरकार पर विफल होने का भी आरोप लगाया। 15 अप्रैल से सारट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट होगा शुरू। 50,000 लीटर क्षमता वाले मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट मेगा डेयरी 15 अप्रैल से चालू हो जाएगा। इसका लाभ किसानों को मिलेगा। उक्त बातें कृषि पशुपालन व सहकारिता विभाग के सचिव अब्बू बारिकी सिद्दीकी ने रविवार को पत्रकारों से कही। सिद्दीकी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्राथमिकता में यह है। मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि 31 मार्च तक प्लांट चालू हो जाए, लेकिन प्लांट के निरीक्षण के दौरान झारखंड स्टेट मिल्क फेडरेशन के MD सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 15 अप्रैल तक पूर्ण रूप से प्लांट चालू हो जाएगा। घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची विधायक अंबा प्रसाद। महिला दिवस पर कही बड़ी बात। हजारीबाग के बरका गांव की विधायक अंबा प्रसाद कल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए घोड़े पर बैठकर पहुंची। महिला दिवस के विशेष मौके पर उन्होंने अपना दिन खास बना लिया। विधानसभा पहुंचते ही सारे मीडियाकर्मी के कैमरे उनकी ओर घूम गए। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की पुत्री अंबा विधायक बनने के बाद हमेशा चर्चा में बनी रहती है। इसके पहले वे विधानसभा में साइकिल चलाती हुई नजर आई थी। अब तक नहीं चुकाया बिजली बिल तो तुरंत कर दे जमा, नहीं तो विभाग करेगी कार्रवाई। झारखंड बिजली वितरण निगम ने नगर निगम से साफ तौर पर कहा है कि अगर 31 मार्च तक बकाया बिजली बिल नहीं चुकाया गया तो शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी जाएगी। रांची में ही सरकारी विभागों के पास करीब 150 करोड़ की राशि बकाया है। JBVNL अब ऐसे बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कर रहा है। महेंद्र सिंह धोनी को कैसे मिली टीम इंडिया की कमान, शरद पवार ने झारखंड में किया बड़ा खुलासा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की गिनती भारत के सबसे सफल कप्तानों में होती है, लेकिन उन्हें कप्तानी कैसे मिली, इस बात का खुलासा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को रांची में किया। बता दें, शरद पवार 2005 से 2008 के बीच BCCI के अध्यक्ष रहे थे। शरद पवार ने कहा कि राहुल द्रविड़ की बात पर मैंने सचिन तेंदुलकर से फिर से कप्तानी संभालने को कहा, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान के रूप में सचिन तेंदुलकर ने जिम्मेदारी संभालने से साफ इनकार कर दिया। तो उन्होंने सचिन से पूछा कि नेतृत्व किसे सौंपा जाए। इस पर तेंदुलकर ने कहा कि धोनी के कंधे पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाए, वह देश का नाम रोशन करेगा, और बाद में ऐसा ही हुआ। कम संसाधन के बीच बेहतर देने का करे प्रयास। झारखंड हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RK मेरठिया ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को इस मुकाम तक पहुंचाए कि राज्य के छात्रों को पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने की जरूरत न पड़े। शिक्षण संस्थानों को सलाह दिया कि वह कम संसाधन के बीच बेहतर काम करने का प्रयास करे। जिस तरह पटना सुपर 30 के आनंद ने कम संसाधन के बीच बेहतर कार्य किया, यह बातें उन्होंने कही। विधायक निधि से पुस्तकालय को मिलेंगी किताबें। सारण विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक मुहिम शुरू की जा रही है। कुछ युवा शिक्षा से वंचित होने के कारण अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं और अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ऐसे युवाओं को अब पुस्तक से जोड़ने के लिए प्रयास किया गया है। यह बातें सारण विधायक रणधीर कुमार सिंह ने भाजपा नेता श्याम सुंदर मंडल के आवास पर रविवार की रात प्रेस वार्ता करते हुए कहा। बताया कि विधायक निधि के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक हाई स्कूल, प्रत्येक प्लस टू, प्रत्येक कस्तूरबा व पुस्तकालयों के साथ साथ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पुस्तकें दी जाएगी।
सातवें वेतमान की लंबित भुगतान की मांग को लेकर झारखंड के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर गए। झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर वर्ष 2016 से 2019 तक सातवें वेतमान के लंबित राशि भुगतान की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया है। इसका असर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों पर पड़ा है। सातवें वेतमान के अनुसार लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर MGM जमशेदपुर, PMCH धनबाद, पलामू, हजारीबाग और दुमका मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रांची स्थित रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के साथ वार्ता विफल होने के बाद दोपहर 1 बजे से OPD नहीं चला, जिसकी वजह से बीमार मरीजों की परेशानी हुई। ऑपरेशन के बाद मरीजों के बीच चश्मा सहित जरूरी दवाओं का किया गया वितरण। भगवान महावीर आई केयर सेंटर एवं दिगंबर जैन समाज रांची के सहयोग से बेरमो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जरीडी, दुगदा, कठारा, पेटरवारा, फुसरो इत्यादि जगहों पर निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन जांच शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में 50 मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन कराया गया। सोमवार को जैन भवन हरमू रोड में मरीजों के बीच चश्मा एवं दवाई का निशुल्क वितरण किया गया। प्रशासनिक विवाद में CS ने कहा, अभद्र भाषा में DC ने लगाई डांट। DC बोले, आरोप गलत, कोरोना पर बात की। सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार सिन्हा ने जिले के उपायुक्त दिव्यांशु झा व गोपनीय पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर के विरुद्ध दुर्व्यवहार व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इस मामले को सिविल सर्जन ने झारखंड राज्य चिकित्सा सेवा संघ की बैठक में उठाया। संघ में लिए गए निर्णय के अनुसार उन्होंने मामले की शिकायत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग भारत सरकार, मुख्य सचिव झारखंड सरकार, स्वास्थ्य सचिव व स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार से किया है। तो चलिए अब जानते हैं खबर देश विदेश से। भारत में COVID-19 महामारी खात्मे की ओर बढ़ रही है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में COVID-19 महामारी खात्मे की ओर बढ़ रही है और सफलता हासिल करने के लिए टीकाकरण अभियान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमें अब तक COVID-19 के 2 करोड़ से अधिक टीके लगाए हैं और टीकाकरण की दर को बढ़ाकर प्रतिदिन 15 लाख किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास गोलीबारी, कोई घायल नहीं। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास रविवार रात लंगर के वक्त कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हवा में गोलियां चलाई। किसानों के मुताबिक 4 लोग कार में आए और हवा में 3 राउंड गोलियां चलाकर वहां से भागे। हालांकि इस गोलीबारी में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुए विधेयक। मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। राज्य की कैबिनेट ने पिछली साल दिसंबर में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ विधेयक को मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि विधेयक में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की जेल और अधिकतम 1 लाख के जुर्माना का प्रावधान है। पूरे देश जूझ रहा है राज्यसभा में डीजल पेट्रोल की कीमतों पर चर्चा की मांग करते हुए खड़गे बोले। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि को लेकर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पेट्रोल की कीमत करीब 100 रुपया प्रति लीटर जबकि डीजल 80 रुपया प्रति लीटर से ज्यादा है, कीमतों पर ऊपर जा रही है और इसकी वजह पूरा देश जूझ रहा है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का 86 वर्ष की आयु में लखनऊ में हुआ निधन। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह को सोमवार को लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में 46वीं वर्ष की आयु में निधन हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर शोक जताया है। अंशुमान सिंह की जनवरी 1999 मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल थे। बजरंग पुनिया ने अंतिम 30 सेकंड में 2 पॉइंट हासिल कर जीता गोल्ड, टॉप रैंकिंग हासिल की। मेटलो पॉलीकॉन रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने अपने खिताब का बचाव करते हुए अपने वजन वर्ग में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। पुनिया 65 किलो भार वर्ग के फाइनल में तुलगा ओरची के खिलाफ 0-2 से पीछा करते थे और लेकिन अंतिम 3 सेकंड में उन्होंने 2 पॉइंट हासिल किया। आखिर पॉइंट्स
के आधार पर उन्हें विजेता घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाना चाहिए, महिला दिवस पर सांसद सोनल मानसिंह बोली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्यसभा में बोलते हुए सांसद सोनल मानसिंह ने कहा, मेरा मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, वह बराबरी की बात कर रही है। गौरतलब है कि सोनल मानसिंह एक विख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। नारी शक्ति को सलाम, रेलवे की पहली महिला ड्राइवर की फोटो शेयर करते हुए रेल मंत्रालय बोले। रेल मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सोमवार को भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव की तस्वीर शेयर की है। मंत्रालय ने तस्वीरों के साथ लिखा, नारी शक्ति को सलाम। गौरतलब है कि सुरेखा यादव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सभी महिला कर्मचारियों वाली मुंबई लखनऊ स्पेशल ट्रेन को चला रही थी। पंजाब सरकार ने पेश किया बजट, 1.13 लाख किसानों का 11,186 करोड़ का ऋण होगा माफ। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1,68,015 करोड़ का बजट पेश किया। सरकार ने 1.13 लाख किसानों का 11,186 करोड़ का कृषि ऋण और भूमिहीन किसानों का 526 करोड़ का कर्ज माफ करने की घोषणा की है। मंत्री ने वृद्धा पेंशन को 750 प्रति महीने से बढ़ाकर 1500 प्रति महीने करने का प्रस्ताव रखा। बीमारी से डर की कमी हो सकती है, महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामले की वजह, केंद्र सरकार का कहना है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले में आई बढ़त के बीच राज्य पहुंची विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम ने कहा है कि इसके पीछे का कारण यह हो सकता है कि अब लोग इससे कम डरने लगे हैं। वही महामारी से तंग आना, बड़े समारोह, हालिया ग्राम पंचायत चुनाव, शादियां, स्कूल और भीड़ वाले सार्वजनिक परिवहन अन्य कारण हो सकते हैं। आदम्य नारी शक्ति को सलाम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई देते हुए लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आदम्य नारी शक्ति को सलाम करता हूं। उन्होंने आगे लिखा, देश की महिलाओं की विभिन्न उपलब्धियों पर भारत को गर्व है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करना हमारी सरकार के लिए सम्मान की बात है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।